हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले डायरेक्टली थिरुमला एक केमिकल कंपनी के। यहाँ पर जो है मार्केट में क्वार्टरली 2 रिजल्ट आ चुके हैं। सो इस रिजल्ट्स के आने के बाद आपको शेयर के अंदर इस कंपनी के अंदर यहाँ पर किस तरह का प्राइस पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि कंपनी के जो रेवेन्यूज है उसमें यहाँ पर हमें जो एक अच्छी ऐसी तेजी देखने को मिली। लेडीज, रेवेन्यू जो है कंपनी यहाँ पर 20% क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर बढ़कर हो चुके हैं 477 करोड़ रुपीज़। बट यहाँ पर कंपेयर करते हैं कंपनी पिछले क्वार्टर के हिसाब से, तो यहाँ पर जो कंपनी नेट प्रॉफिट्स है वो 23% जो है गिरकर हो चुके हैं 50 करोड़ रुपीज़। अगर मैं यहाँ पर रेवेन्यू की बात करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो 78% का यहाँ पर हमें जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है, हो चुका है 477 करोड़ रुपीज़। एज वेल एज नेट प्रॉफिट कंपेयर करते ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो बहुत ही अच्छी अच्छी तेज़ी यहाँ पर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखने को मिल रही है। 212% का यहाँ पर हमें राइज और जंप आप कह सकते हो कि देखने को मिला है। सो ओवरऑल बेसिस पर भी देखिए तो कंपनी रिजल्ट अच्छा है। ऑल्दो क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर कंपनी नेट प्रॉफिट थोड़ा बहुत जो है गिरा है कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर है जो हमें प्रेशर थोड़ा देखने को मिल सकता है। मार्केट कैप निकल कर रहा था इस कंपनी का 2,904.75 करोड़ का मार्केट कैप है, और फेस वैल्यू शेयर की 1 रुपीज़। बीटा है इसका 1.15, जो कि आपको बता रहे कि अगर इंडाइसेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 1.15% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली यहाँ पर जो इंडस्ट्री का प्राइस ट्रेडिंग चल रहा है वो 80.03, अगर उसके मुकाबले भी अगर हम शेयर को कंपेयर करते हैं तो एक अच्छे ऐसे प्राइस ट्रेडिंग पे, दैट इज 17.57 के प्राइस ट्रेडिंग पे यह शेयर जो है हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक के हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करें तो भी 4.01 का प्राइस टू बुक है, और बुक वैल्यू भी अच्छा अट्रैक्टिव बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है 70.77 का, एक अच्छा था बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। कंपनी के यहाँ पर हम फाइनेंशियल ट्रेंड कंपेयर करते 2018 एज वेल एज 19 के अंदर, कंपनी के यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा और स्टेबल यहाँ पर हमें देखने को मिला। 2020 के अंदर डाउनफॉल यहाँ पर हमें देखने को मिला ड्यू टू द कोविड सिचुएशन, बट 2021 के अंदर कंपनी के यहाँ पर जो बिजनेस थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको रेवेन्यू के अंदर थोड़ा डाउन ट्रेंड जरूर देखने को मिला, बट कंपनी के यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बोला कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में आपको यहाँ पर अच्छा सा राइज देखने को मिला है, तो उसी के कारण जो कंपनी यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसमें अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। अगर मैं अभी करंट वे के हिसाब से बात करूँ तो नियरली इसने हाई बनाया, दैट इज 335 रुपीज़ का इस शेयर ने नियरली अपना जो है हाई बनाया हुआ है। सो नियरली इसने अपना जो हाई बनाया वो है 335.75, करंटली चल रहा है 280.3 के नियर बाय पर। कंपनी जो क्वार्टर रिजल्ट है इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें देखने को मिला है। सो एक अच्छा स्टेबल मूवमेंट के लिए हम यहाँ पर वेट करेंगे, थोड़ा बहुत करेक्शन का वेट कर सकते हो अगर आपको थिरुमला केमिकल में आपको निवेश करना है तो। कंपनी अच्छी है और कंपनी के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से जो कंपनी रिजल्ट आ रहे हैं वो भी काफ़ी ताबड़तोड़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। सो होप करता हूँ कि वो थिरुमला केमिकल कंपनी यहाँ पर जो मार्केट में जो क्वार्टरली 2 रिजल्ट आए हैं वो आपको अच्छे से पता चल गए होंगे, और उसके ऊपर आपको अपना क्या डिसीजन बनाना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।